friends. मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिक्स एट मोहाली चरक क्लिनिक्स एंड ऑल्सो अ ट्रैवल हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर. मेरे से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आउट ऑफ कंट्री घूमने जा रहे हैं, क्या हम मेडिसिंस कैरी कर सकते हैं, क्या हमें इनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जहाँ तक बात है ओवर द काउंटर मेडिसिंस की, यानी कि सिंपल मेडिसिंस जैसे पैरासीटामोल होती है, क्रोसिन, कैल्पोल वगैरह, या ज़ुकाम की छोटी मोटी दवाइयाँ, ये आप बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कैरी कर सकते हैं अगर आप 10-20 गोलियाँ लेके जा रहे हैं. अगर आप कोई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ हैं, सो इन दैट केस मैं इनक्रेज करूँगा कि आप अपने डॉक्टर से उसकी प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लें. अब रही बात कौन सी दवाइयाँ हमें अवॉइड करनी चाहिए या क्या अवॉइड करना चाहिए. देखिए, कभी भी 3 महीने से ज़्यादा दवाइयाँ, यानी कि 90 दिन से ज़्यादा की दवाइयाँ ले जाना अवॉइड करें, क्योंकि उस केस में जो बाहर के कस्टम्स हैं वो ये सोच सकते हैं कि आप वहाँ दवाई जाके बेचना चाहते हैं, और क्योंकि इंडिया में दवाइयाँ सस्ती होती हैं देयरफॉर ये रैकेट हो सकता है. इसको एक्सप्लेन करना आपको मुश्किल हो सकता है. सो इफ़ यू रिक्वायर मेडिसिन फॉर मोर देन 90 डेज, प्लीज़ आस्क योर डॉक्टर टू स्पेसिफिकली राइट इट. इसके अलावा अवॉइड एनी मेडिसिन विद एडिक्टिव पोटेंशियल, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, ओपियॉइड्स, बेंजोडाइजेपिन्स, एनी काइंड ऑफ ड्रग्स जिनमें एडिक्शन की पोटेंशियल रहती है, नशे का पोटेंशियल रहता है, वो आपको अवॉइड करनी चाहिए या डॉक्टर से प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लगवा के ही जानी चाहिए. हैव अ सेफ ट्रिप. और जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें या नीचे लिखे डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट करें. थैंक यू.